हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग ए पार्ट थर्टी डिवाइडेड टेन डिवाइड करना है माइनस थर्टी अपॉन टेन जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू आ गई माइनस थ्री ये आंसर हो गया बी पार्ट फिफ्टी डिवाइडेड माइनस फाइव इज इक्वल फिफ्टी अपॉन माइनस फाइव फिफ्टी को फाइव से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी टेन लेकिन यहां डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस टेन लिख देंगे आप इस टाइप से भी कर सकते हो कि पॉजिटिव बना लें डिनोमिनेटर को माइनस वन से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे माइनस तो फिफ्टी हो जाएगा अपॉन में माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे फिफ्टी को फाइव से डिवाइड करेंगे तो माइनस टेन डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं अगर इस टाइप से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस टाइप से भी कर सकते हैं सी पार्ट माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड माइनस नाइन इज इक्वल माइनस थर्टी सिक्स अपॉन माइनस नाइन माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएंगे थर्टी सिक्स को नाइन से डिवाइड करेंगे नाइन फोर जो थर्टी सिक्स फोर आंसर फोर हो गया डी पार्ट माइनस फोर्टी नाइन डिवाइडेड फोर्टी नाइन इज इक्वल माइनस फोर्टी नाइन अपॉन फोर्टी नाइन नोम में माइनस का साइन लगा हुआ है माइनस लगा लेंगे फोर्टी नाइन बन जाए फोर्टी नाइन बन बार चला जाएगा ई पार्ट थर्टीन डिवाइडेड माइनस टू प्लस वन पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे थर्टीन डिवाइडेड माइनस का टू है प्लस का वन है माइनस का वन हो जाएगा थर्टीन अपॉन माइनस वन माइनस से हम एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो माइनस थर्टीन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप थर्टीन बन जाए थर्टीन माइनस थर्टीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन और आंसर आ गया माइनस थर्टीन अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कि थर्टीन डिवाइडेड माइनस वन तो वैल्यू आ जाएगी माइनस थर्टीन तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप एफ पार जीरो डिवाइडेड माइनस ट्वेल्व इज इक्वल जीरो अपॉन माइनस ट्वेल्व जब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है वैल्यू जीरो आती है तो आंसर हो जाएगा जीरो जी पार्ट माइनस थर्टी वन डिवाइडेड माइनस थर्टी प्लस माइनस वन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे माइनस थर्टी वन डिवाइडेड यहां पर माइनस थर्टी है माइनस वन है दोनों ऐड हो जाएंगे और सेम साइन है माइनस माइनस के तो माइनस थर्टी वन हो जाएगा डिवाइड कर लेंगे माइनस थर्टी वन अपॉन माइनस थर्टी वन माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे थर्टी वन बन जाए थर्टी वन एच पार्ट माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड ट्वेल्व डिवाइडेड थ्री बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं माइनस थर्टी सिक्स अपॉन ट्वेल्व डिवाइडेड थ्री थर्टी सिक्स को ट्वेल्थ से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स माइनस थ्री हो जाएगा डिवाइडेड थ्री माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस न्यूमिनेटर में लगा हुआ है माइनस लगा लेंगे थ्री वन जा थ्री वन ये आंसर हो गया माइनस वन आई पार्ट माइनस सिक्स प्लस फाइव डिवाइडेड माइनस टू प्लस वन इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे माइनस के सिक्स है प्लस के फाइव है सब हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी माइनस वन डिवाइडेड माइनस टू है प्लस का वन है वैल्यू माइनस वन आएगी माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा वन वन का डिवाइड वन में करते हैं तो वैल्यू आती है वन ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरीफाई दैट ए डिवाइडेड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड सी फोर इज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है वेरीफाई करना है लेफ्ट साइड को ले लेंगे फिर राइट right साइड को ए पार्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए डिवाइडेड बी प्लस सी वैल्यू पुट कर देंगे ए की वैल्यू ट्वेल्व है डिवाइडेड बी की वैल्यू माइनस फोर है प्लस टू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ट्वेल्व डिवाइडेड माइनस के फोर है प्लस के टू है सब कर लेंगे वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू ट्वेल्व अपॉन माइनस टू ये डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है माइनस लगा लेंगे टू सिक्स ट्वेल्व माइनस सिक्स आगे वैल्यू आप राइट हैंड साइड लेंगे ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड सी ए की वैल्यू ट्वेल्व है ट्वेल्व डिवाइडेड माइनस फोर प्लस ए की वैल्यू ट्वेल्व है ट्वेल्व डिवाइडेड सी की वैल्यू टू है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 12 डिवाइडेड माइनस फोर माइनस का साइन लगा लेंगे फोर थ्री या ट्वेल्व डिवाइड कर लिया प्लस सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस के थ्री है प्लस के सिक्स है सब हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी प्लस के थ्री ये माइनस सिक्स है और ये प्लस थ्री या राइट साइड में इक्वल नहीं आए हैं वेरीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड यही वेरीफाई करना था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगी बी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए डिवाइडेड बी प्लस सी वैल्यू रख देंगे ए की वैल्यू माइनस टेन है डिवाइडेड बी की वैल्यू वन सी की वैल्यू वन माइनस टेन वन प्लस वन टू हो जाएंगे टेन को टू से डिवाइड करेंगे टू फाइव चार टेन माइनस फाइव आ गया लेफ्ट साइड में अब राइट हैंड साइड लेंगे ए डिवाइडेड बी प्लस ए डिवाइडेड सी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस टेन डिवाइडेड वन प्लस माइनस टेन डिवाइडेड वन माइनस टेन को वन से डिवाइड करेंगे वैल्यू माइनस टेन आएगी इसी टाइप से माइनस टेन को वन से डिवाइड करेंगे वैल्यू माइनस आएगी ये माइनस के टेन है ये भी माइनस के टेन है एड हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वेंटी यहां पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू माइनस फाइव है और राइट हैंड साइड की वैल्यू माइनस ट्वेंटी है इक्वल नहीं आई है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड यही वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स 369 डिवाइडेड थ्री राइट right साइड में 369 है लेफ्ट साइड में भी 369 है तो किस नंबर से डिवाइड करें सेम वैल्यू आए तो वन सेक्वल माइनस वन लेफ्ट साइड में माइनस लगा हुआ है राइट साइड में भी माइनस है किससे डिवाइड करे की वैल्यू वन आए तो सेवनटी फाइव से सी पार्ट माइनस टू हंड्रेड सिक्स डिवाइडेड इज इक्वल वन लेफ्ट साइड में माइनस इंटीजर है और राइट right साइड में पॉजिटिव इंटीजर है तो डिवाइड माइनस इंटीजर से करेंगे और किस से डिवाइड करें कि वैल्यू वन आ जाए टू हंड्रेड सिक्स से इसी टाइप से डी राइट साइड में प्लस के एट्टी सेवन है लेफ्ट साइड में माइनस इंटीजर है और प्लस इंटीजर लाने के लिए हम माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस कैंसिल e, हो जाएंगे वैल्यू आ जाएगी एट्टी सेवन ई पार्ट लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है राइट right साइड में नेगेटिव इंटीजर है हमें नेगेटिव इंटीजर लाना है अब 87 देख रहे हैं 87 में वन से डिवाइड करने पर वैल्यू आती है 87 तो 87 हो जाएगा यहाँ एफ लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है राइट right साइड में नेगेटिव इंटीजर है इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर आएगा फोर्टी uh, एट को फोर्टी एट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वन आ जाएगी तो माइनस फोर्टी एट डिवाइडेड लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है राइट right साइड में नेगेटिव इंटीजर है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना होगा माइनस ट्वेंटी में किस से डिवाइड करें वैल्यू टू आ जाए टेन टू 20। ट्वेंटी ट्वेंटी को डिवाइड माइनस टेन से करेंगे वैल्यू आ जाएगी माइनस टू डिवाइडेड फोर इज इक्वल माइनस थ्री राइट साइड में नेगेटिव इंटीजर है लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए यहां पर नेगेटिव इंटीजर आएगा किस नंबर में फोर से डिवाइड करने पे वैल्यू थ्री आएगी फोर थ्री या ट्वेल्व यहां पे आ जाएगा नेगेटिव ट्वेल्व तो आंसर आ गया माइनस ट्वेल्व बी बी का आंसर आया था सेवेंटी फाइव सी का आंसर आया था माइनस टू हंड्रेड सिक्स आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे